लच्छ पब्लिक स्कूल। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास सेवेंथ का इंग्लिश लिटरेचर का सेवेंथ चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसका हेडिंग है रानी दुर्गावती। ये बुक है सेवेंथ का, विद्या पब्लिकेशन का, क्रिसेंट इंग्लिश रीडर। आप लोग देख रहे हैं इसमें रानी दुर्गावती के बारे में वीरता, वीरांगना, उनकी साहस वीरता का परिचय दिया गया है। और ये उस समय की बात है जब राज साम्राज्य गोंडवाना का, जहाँ पर एक बहुत ही कठिन मजबूत राजपूत जो है ट्राइब्स राज करता था, राजा दलपत शाह एक बहुत बड़े योद्धा थे, विख्यात अपने समय के। डेक्कन माउंटेन्स में, साउथ इंडिया में, डेक्कन के पर्वतों में एक बहुत छोटा सा राज्य गोंडवाना, जो राज्य का नाम था साम्राज्य। और उनकी जो उस साम्राज्य की आने वाली जो संरक्षिका थी रानी दुर्गावती, वो महान राजपूत की प्रधान थी, बेटी थी। अब जो है इसमें जो बुक में दिया गया है वही चीज़ हम बताएंगे, उसी को अपने तरह से कोई भी बात हम नहीं जोड़ेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसमें जो बुक में आपको दिया गया है वही बताएंगे। और वो एक वुमेन है, बहादुरी का मिसाल है, और अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित हैं रानी दुर्गावती। गोंडवाना जो है उस समय आजाद साम्राज्य था, और राजपूत जो राजकुमार थे वो कभी भी बाहरी शासक के सामने झुके नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि राजा दलपत शाह जो है उनका मृत्यु हो गया, समय के पहले ही उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद अपनी पत्नी दुर्गावती को विधवा छोड़कर चले गए, और उनका एक ही पुत्र था जिनका नाम था वीर नारायण। और अपने बेटे के लिए, अपने देश के लिए रानी दुर्गावती ने सती होना स्वीकार नहीं किया। आप जानते हैं पहले यह ब्राह्मण सिस्टम था कि जो पति का देहांत हो जाता था तो उनके साथ उनकी पत्नी को भी जीवित जिंदा अग्नि में जो है दाह जला दिया जाता था। तो यह एक सिस्टम था, जो प्रथा था, जिसको सभी को पालन करना होता था। लेकिन रानी दुर्गावती ने सती को स्वीकार नहीं किया, अपने आप को अग्नि में नहीं जलाया, परंतु प्रत्येक प्रयास उन्होंने किया कि अपने शासन को, देश को, अपने जो जहाँ तक साम्राज्य था उनका, उसको संभालें और अपने परिवार की परंपरा आगे बढ़ाएं। और यह जो है समय था जब दिल्ली के गद्दी पर जो है मुगल साम्राज्य अकबर का शासन था, और उस समय बहुत सारे अभियान विजय के से जुड़े हुए दक्षिण भारत में, डेक्कन में चलाए जाते थे दिल्ली के साम्राज्य के द्वारा। द इंडिपेंडेंट प्रिंस पॉलिटी ऑफ गोंडवाना डिड नॉट एस्केप हिज आई। और जब उन्होंने, मुगल साम्राज्य ने देखा कि एक ऐसा साम्राज्य है दक्षिण भारत में जो स्वतंत्र है, और उस पर एक महिला जो है औरत शासक है, तो उनकी आँख से बच नहीं सका। और हिज वायसराय आसफ खान, जो वायसराय थे मुगल साम्राज्य के, वो महत्वाकांक्षी थे, और उन्होंने अपना दिल और ध्यान जो है गोंडवाना साम्राज्य को जीतने की तरफ लगाया। और यह समाचार जो है, न्यूज जो है, जो मुगल आक्रमण का जब किला पर, गढ़ पर फैला, तो एक आग की भांति जो है पूरे शहर में यह समाचार फैल गया कि मुगल साम्राज्य जो है गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहती है। और इसलिए जो है, जो पीसफुल राजपूत नागरिक थे वो सावधान हो गए, चकित चौकन्ना हो गए, और उन्होंने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ऐसी खबर मिलेगी। दे वे आर होपलेस टू डिफाई द मुगल्स, और वो निराश थे
मुगलों के अयोध्या के लिए कोई उनको आशा उम्मीद अब नहीं थी, मगर अब क्या कर सकते थे। मुगल साम्राज्य क्योंकि बहुत शक्तिशाली था उस समय, तो उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। मगर रानी दुर्गावती और उनके जनता ने सोचा कि हम लोग समर्पण नहीं करेंगे और वाटी भर का जो भी परिणाम होगा और उसका जो है हम लोग मुकाबला करेंगे मुगल का। एंड पुट हर ट्रस्ट इन द फेलर ऑफ द पीपल, और जनता के पक्ष में हम लोग काम करेंगे, हम लोग झुकेंगे नहीं। और अपना समन्स जो है सैनिकों को उन्होंने बुलाया रानी दुर्गावती ने, और उनके साहस को, वीरता को, डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। और प्रत्येक नौजवान जो है जो लड़ सकता था, जो देश के लिए, साम्राज्य के लिए, गोंडवाना साम्राज्य के लिए आकर सामने, तो थोड़े ही समय में पूरा शहर जो है सैनिक साजो सम्मान से, जो शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित किया गया सैनिकों को और खुले मैदान में बुलाया गया, तैयार युद्ध के लिए किया गया। यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी डिस्प्लेड द ग्रेटेस्ट एंथुसियाज्म, बहुत ही महान उत्साह उन्होंने दिखाया, बच्चे और महिलाएं भी। रानी प्लेस हरसेल्फ एट द हेड ऑफ हर आर्मी, और रानी दुर्गावती जो है आगे सबसे लीड कर सैनिकों के, वो इंतजार कर रही थी मुगल शत्रुओं का युद्ध के लिए। और सभी जो थे नाउ हैड ए सिंगल आइडिया, एक ही विचार था, एंड दैट वाज टू रिपेल द अनजस्टिफाइड, जो अनिर्णय नाइंसाफी जो आक्रमण था, न्याय अत्याचार आक्रमण, उस पर जो है जो घरों पर आज़ादी पर जो अटैक होने वाला था, घर पर अटैक होने वाला था, उसको जो है अनजस्टिफाइड अटैक को वो जो है विद्रोह करें, उनका लड़ाई करें, युद्ध करें। एवरी मैन वाज थर्स्टी टू प्रूव हिज वैलर, सभी आदमी जो है अपने साहसी और वीरता को साबित करने के लिए ललायक थे, प्यासे थे। आसफ खान जो मुगल एम्परर के वायसराय थे, सेनापति थे, उन्होंने अभियान चलाया बहुत सारे, लिटिल कंट्री रूल्ड बाई वुमेन, एक छोटा सा साम्राज्य था, एक महिला के द्वारा जो शासन किया जा रहा था, आसानी से जो है उन्होंने सोचा कि आसानी से उस पर आक्रमण करेंगे और बिना किसी विद्रोह के हम उसको अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में मिला लेंगे। लेकिन उन्होंने जब आक्रमण किया तो क्या हुआ कि आश्चर्यचकित रह गए कि इतना शहर जो है तैयार है और प्रतिरोध के लिए। ही हैड बाउट विथ हिम ओनली, एक छोटा सा सैनिक का बल लाए थे, टुकड़ी लाए थे कि आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा जब करना चाहा तो उनको महसूस हुआ सेंट फोर, इसलिए जब वो जीत नहीं पाए तो उनको लगा कि दिल्ली से फोर्स और बुलाना चाहिए। और इसी बीच जो है डिस्पेच ए मैसेंजर टू द पैलेस टू आस्क फॉर इंटरव्यू विद द रानी, और एक दूत को उन्होंने मैसेंजर को भेज दिया रानी दुर्गावती से बात करने के लिए दिल्ली में, और अपने मुगल साम्राज्य से, दिल्ली से, राजधानी से जो है सैनिकों को बुलाने के लिए और टुकड़ियों को मांग की। और उन्होंने कहा कि वो नोबल क्वीन, मैं कम फ्रॉम आसफ खान, जो दूत गया तो कहा कि मैं महारानी, मैं आसफ खान के यहाँ से भेजा गया हूँ, जो वायसराय हैं महान मुगल साम्राज्य के, अकबर के, सम्राट अकबर के, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपके साथ युद्ध हो, और आसफ खान ने यह आपको भरोसा दिलाया है मेरी तरफ से कि जो है ही विल रिटायर विथ हिज फोर्सेज प्रोवाइड यू, वो आपको से युद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ आपको, आपके पुत्र को वो राजा बना देंगे, और केयर ऑफ और अगस्त इम्परर एंड वो आप मुगल सुप्रीमेसी जो है स्वीकार कर लें, सर्वोच्चता संरक्षण स्वीकार कर लें, उसके बाद जो है हम आप लोग से युद्ध नहीं करेंगे, आपके बेटा को राजा बना देंगे। इससे पहले कि ही हैड कंक्लूडेड दिस स्पीच, और वो अपना पूरा बात जो है दूत मैसेंजर कह पाता, उसके पहले ही दुर्गावती जो है गुस्से में आ गई और खड़ी हो गई अपने जगह से, गद्दी से, और अपने दाहिने हाथ से जो है प्राउडली रिप्लाई कहा, कहीं कि लेट नॉट योर वायसराय थिंक, देखो अपने वायसराय को यह नहीं सोचने दो कि हम लोग डर गए हैं और सैनिकों की संख्या से हम लोग डर गए, ऐसा नहीं है, उसको बताओ
जाकर वी डोंट केयर टू बोस्ट इन वर्ड्स, शब्दों से हम लोग को कोई डर नहीं लगता है, बट लॉन्ग टू मीट हिम, और हमको जो है उसको मैदान में हम भेंट करना चाहते हैं उसे, युद्ध के मैदान में। लेट द इवेंट डिसाइड, और जो घटना होगा युद्ध में मैदान में वही निर्णय करेगा कि या तो हम लोग आज़ाद रहेंगे या जो है सुप्रीमेसी आपके साम्राज्य का सुप्रीमेसी सर्वोच्चता स्वीकार करेंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। तो युद्ध में यह निर्णय होगा, युद्ध के मैदान में, बातों से नहीं होगा। और इस शब्दों के साथ जो है उसको दूत को रानी दुर्गावती जो है भेज दिए। आसफ खान जब यह बात सुना दूत से तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक छोटा सा राज्य जो है ऐसी बात कर रहा है। और जैसे ही वह जो है रिसीव्ड फ्रेश फोर्सेज दिल्ली से, मुगल एम्पायर दिल्ली राजधानी से सैनिक जब आए तो उन्होंने शहर पर जो है चढ़ाई कर दी, एडवांस कर दी। राजपूत आर्मी जो है विथ रानी हरसेल्फ इन कमांड, जिसका सेना अध्यक्ष खुद रानी दुर्गावती कर रही थी, वह आई मैदान में मिलने के लिए। दस द टू फोर्सेज स्टूड फेसिंग ईच अदर, एक तरफ गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती की सैनिक थे और एक तरफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य अकबर के सेनापति वायसराय आसफ खान के सेना सैनिक थे। और द रानी विथ आर्मर पॉलिश्ड स्टील ए हेलमेट फ्लैशिंग ऑन हर हेड, और जो रानी दुर्गावती हैं स्टील का चमकता हुआ जो है तलवार लेकर सर पर जो है हेलमेट चमकता हुआ पहनकर और एक लंबी तलवार की हाथ में लेकर सीन अवेटिंग द अटैक सीटेड ऑन ए वाइट चार्जर, और एक जो है आक्रमण का इंतजार कर रही थी। आसफ खान कुड नॉट बट एडमायर, जब आसफ खान ने देखा रानी दुर्गावती को तो उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके उनकी बहादुरी को, और शीघ्र ही लड़ाई शुरू हो गया। और इन्फेंट्री एंड कैवेलरी बोथ साइडेज वेयर लॉक्ड इन डेडली कॉम्बैट, और सैनिक सभी जो है एक तरफ से भिड़ गए आपस में सैनिक। रानी हरसेल प्लग इन टू द फाइट वाइल्डिंग हर मैसिव स्वॉर्ड, और रानी दुर्गावती जो है अपने विशाल तलवार को लेते हुए असंख्य मुगलों का उन्होंने खात्मा कर दिया, सर कलम कर दिया। मुगल सैनिक जो है कुड नॉट स्टे बिफोर द ब्रेव, इतनी बहादुरी इतनी साहसी राजपूतों के सामने मुगल आर्मी जो है नहीं ठहर सकी, और उन्होंने युद्ध छोड़कर बीच में ही लेफ्ट द फील्ड बैटल फील्ड इन अटर कंफ्यूजन, असमंजस में पड़ गए और युद्ध भूमि को छोड़ दिए। बट आसफ खान को यह बात सहन नहीं कर सका कि जो है उसके रेप्यूटेशन को, उसके ख्याति को यह क्षति पहुंचाई है रानी दुर्गावती ने, उनकी बहादुरी ने। इसलिए उसने बहुत बड़ी आर्मी के साथ एक बार पुनः जो है प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर दुर्गावती सिटी, दुर्गावती के शहर के रानी के सामने फिर बहुत सा ज़्यादा सैनिकों के साथ वो जो है वापस आया। मगर इस बार आल्सो द रानी एंड द राजपूत सोल्जर्स, इस बार पुनः भी रानी दुर्गावती और राजपूत सैनिकों ने बहादुरी के साथ और मजबूत डिटर्मिनेशन दृढ़ता के साथ युद्ध किए, और अंत में मुगल आर्मी को जो है स्वीकार करना पड़ा हार जो है दूसरा समय, और आसफ खान जो है वापस चले गए मुगल टेरिटोरी और थ्रोली ह्यूमिलिएटेड, और बहुत ज़्यादा उनका अपमानित हुआ। मगर दुख का बात है ट्रेचरी आल्सो पेची वाट फोर्स ऑफ आर्म्स कुड नॉट अवेल, लेकिन जो युद्ध से सैनिकों से नहीं जीता जाता है वो धोखा से जीता जाता है। और जल्द ही रिपल्स ऑफ द सेकेंड इन्वेजन, और पुनः आक्रमण हुआ जब पूरा शहर जो है खुशियां मना रहा था, दीप जला रहा था, पीपुल वेयर टेकिंग पार्ट, आनंद कर रहे थे कि हम लोगों ने मुगल सैनिकों को वापस कर दिया है, हरा दिया है। ऐसे समय में रानी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रिवार्ड, उन्होंने इनाम दिया जो अच्छा युद्ध में किए थे, पुरस्कृत किया, तो उसमें कुछ जो है उनसे जो है पुरस्कार के कारण जो है नाराज हो गए हैं, वो ज़्यादा पुरस्कार चाहते थे। ऑल दोज हु हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ्स इन द कैंपेन
सिमेध हर्षल अपने पुत्र को वीर नारायण को उन्होंने सैनिकों का जनरल बना दिया, सेनापति बना दिया, कैप्टन जनरल बना दिया। और यह जो है, जो उम्र दराज थे, जो वृद्ध थे, जो अनुभवी थे, उनको अच्छा नहीं लगा यह कि जो है एक नौजवान को सेना का सेनापति बना दिया गया और हम लोगों को जो है नेग्लेक्ट किया गया, उपेक्षित किया गया। यह स्वार्थनेस, सेल्फिशनेस एंड एनवी ओवर केम देयर सेंस ऑफ ऑनर, देशभक्ति सम्मान पर जो है यह गलबा पा गया, यह भावना जो है स्वार्थ का। और इसी बीच जो है उन्होंने जो चाहते थे कि हमें जो है बड़ा पदवी दिया जाए, वो वैसा नहीं दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि आसफ खान से मिलकर जो है ही प्रॉम्प्टली सीज द अपॉर्चुनिटी, और ऐसा मौका पाकर वो आसफ खान के साथ मिल गए। और ऐसा टाइम ब्रीच वाज अफेक्टेड इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, और किला में छेद कर दिया गया दीवार में, और मुगल फोर्सेज वेयर एडमिटेड इन टू द सिटी। और धोखे से रानी दुर्गावती के कुछ जो देश, जो साम्राज्य गोंडवाना का था, उनके ही राज्य के कुछ जो गद्दार थे, जो देशद्रोही थे, जो रानी सिर्फ पद के लिए, स्वार्थ के लिए आसफ खान के साथ मिल गए और अपने किला का दीवार जो है वो खुद तोड़ दिए और सैनिकों को, मुगल सैनिकों को अंदर बुला लिए। अब जब जो है सेंट्री साउंडेड द अलार्म, जब युद्ध का घोषणा बजाया गया, रानी जो है तुरंत अपना युद्ध का सामान लेकर सैनिकों को दो भाग में बांट दी, कमांडेड आदेश दी, अपने आप को एक नेतृत्व की सैनिकों की टुकड़ियों का, एक सैनिक का टुकड़ियों का नेतृत्व अपने पुत्र वीर नारायण को दे दी। और फाइटिंग वाज टेरिबल, अब जो था युद्ध, क्योंकि मुगल सैनिक जो है किले के अंदर आ गए थे, शहर में आ गए थे, तो भयानक युद्ध हुआ। मगर राजपूत जो थे अपना रक्षा किए, दे वेयर अ ग्रेट डिसएडवांटेज, लेकिन इस समय यहाँ पर उन्होंने निराशा मिला। डिस्परेटली एज दे रेसिस्टेड देयर रैंक्स ग्रीव थिनर एंड थिनर, जैसे जैसे विरोध करते गए उनका जो है संख्या घटते गया, और बहुत सारे उनके विश्वासी जो फॉलोअर्स थे कन्विंस द रानी, उन्होंने कहा रानी को कि ऐसे समय में जब हमारे लोग ही दुश्मन से मिले हुए हैं, दुश्मन सैनिकों से, तो ऐसे समय में आपको युद्ध करना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने, रानी दुर्गावती ने इनकार कर दिया, शी रिफ्यूज टू सबमिट। उन्होंने एक शेरनी के तरह लाइक ए टाइग्रेस और बहादुरी से हर स्वर्ड अपना तलवार जो है बाहर निकालकर कॉर्पसेस एक्ट, जो उनको सलाह दे रहे थे कि आप समर्पण कर देना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, उनके गर्दन को उन्होंने, रानी दुर्गावती ने काट कर और उनके कदमों में गिरा दिया वहीं पर। जो इतनी बहादुर हैं रानी दुर्गावती जो है, टिल सडनली द प्रिंस रिसीव्ड मोर्टल वाउंड फ्रॉम ए मुगल सोल्जर, और अचानक जो है प्रिंस रिसीव्ड ए मोर्टल वाउंड फ्रॉम ए, और राजकुमार जो थे उनकी पुत्र, एकमात्र पुत्र थे जो राजा थे, राजकुमार थे वीर नारायण, वो भी घायल हो गए मुगल सैनिकों के द्वारा। रैंकिंग विथ रेज और दुख और गुस्से से रानी दुर्गावती जो है किसी बीच अपने सैनिकों के साथ जो है दुश्मन के बीच में चली गई और बहुत सारे लोगों को मारते हुए सैनिकों को जो उनके सामने आता था। मगर इवन आई सी ड्रोव देम बैक, जैसे उनको पीछे खदेड़ती गई तो एक जो है तीर जो है उनके आंख में लग गया, और इसी बीच जो है जैसे ही वो अपना तीर निकालने का प्रयास कर रही थी आंखों से, एक मुगल सैनिक जो थे उन्होंने क्या किया कि स्पीयर राइट थ्रो हर हार्ट, एक भाला जो होता है उन पर जो है चला दिया, और रानी दुर्गावती जो है इस वीर गति को प्राप्त हो गई। दस पेरिस्ट रानी दुर्गावती द हीरोइक क्वीन ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना की रानी कुमारी वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। फॉलिंग इन द अटेम्प्ट टू सेव द ऑनर ऑफ हर राजपूत रेस, राजपूत जो
का सम्मान था, राजपूत जो का वीरता था उसको बचाते हुए प्रयास करते हुए और आजादी को अपने साम्राज्य को अपने देश को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो हमको उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, यही तक है। और ये देशभक्ति का भाग है इसमें जो है, ये अच्छा चैप्टर है। और इसका क्वेश्चन आंसर जो है, फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है स्क्रीन पर उस पर अपना सवाल लिखकर भेजिए। और इसका क्वेश्चन आंसर का जो है पूरा डिटेल समरी, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल का आंसर जो है आपको पीडीएफ ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है 7 क्लास के क्लास टीचर हैं वो ग्रुप बनाए हैं उस पर जाएगा। आप उससे फेयर बना लीजिए, उससे लिख लीजिए और आपसे मिलकर पढ़ाकर खुशी हुआ। नाइस टू मीट यू, फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।